दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को कोर्ट ने 7 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। यानी के कविता 23 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगी। रिमांड कॉपी के मुताबिक ईडी ने के कविता को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है, जिन्होंने साउथ ग्रुप और आप नेताओं के साथ साजिश रची। किकबैक के तौर पर 100 करोड़ रुपए दिए गए। के कविता के सीए बुच्ची बाबू के हवाले से ईडी ने रिमांड पेपर में बताया कि के कविता के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। इसी के चलते के कविता की विजय नायर से मुलाकात हुई थी। विजय नायर केजरीवाल और सिसोदिया के फ्रंट के तौर पर काम कर रहा था। ईडी ने के कविता के सीए बुच्ची बाबू और राघव मंगुटा के बीच चैट भी कोर्ट के सामने रखा, जिसके सपोर्ट में सीए का वो बयान भी सामने रखा जिसमें उसने माना कि नई आबकारी नीति को लेकर चैट हुई थी। उस चैट में वो के कविता को मैडम के नाम से संबोधित कर रहा था।